और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा रावत। और सबसे पहले हर रोज की तरह आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। इस्लामाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान की पेशी। कल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे तुरंत रिहाई के आदेश। इमरान का दावा, उनसे हुआ आतंकी जैसा सलूक। द केरल स्टोरी पर दो राज्यों में बैन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु बंगाल में फिल्म बैन को चुनौती। आज सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी देखेंगे फिल्म। द केरल स्टोरी पर लगे बैन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। फिल्म देखना लोगों का अधिकार, विरोध करने वालों को तय करना है वो आतंकवाद के साथ हैं या खिलाफ। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में कांग्रेस का किनारा। प्रदेश अध्यक्ष बोले यह संगठन की यात्रा नहीं, गहलोत का तन जो पार्टी के लिए प्रति वफादार नहीं वो कभी नहीं होते कामयाब। नीतीश की विपक्षी एकता मुहिम को नवीन पटनायक ने दिया बड़ा झटका। 2024 चुनाव में बीजेडी के अकेले चुनाव में उतरने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा। 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। 19,000 परिवारों को सौंपेंगे घर की चाबी। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। महिला रेसलर की अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। याचिका में मांग, अब तक की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट करे तलब। अहमदाबाद में पुरानी 3 मंजिला इमारत धड़ाम। फायर ब्रिगेड ने मलबे में फंसी सभी लोगों को बचाया। यूपी में 2 चरणों में संपन्न हुआ निकाय चुनाव। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी गई मतपेटियां और ईवीएम। कल आएंगे परिणाम। जी मीडिया पर देखिए सबसे तेज नतीजे। आज सुबह 10 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ट्रांसफर नीति समेत कई अहम मुद्दों पर लगेगी मोहर। हरदोई में एक गांव में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों पर किया हमला। 2 किसान घायल, दहशत में लोग। रायबरेली में चोर को दी गई तालिबानी सजा। भीषण गर्मी में कई घंटों तक रस्सी से बांध कर रखा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। झांसी में कार और बाइक सवार की टक्कर। हादसे के बाद बेतवा नदी में गिरी कार और बाइक, 1 की मौत, 5 घायल। बहराइच में वकीलों की गुंडागर्दी। पेशी पर मुवक्किल को जमकर पीटा, सीओ ने किया बीच बचाव। सहारनपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। बाइक को रोकते हुए पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की गई जान। मऊ में नगर निकाय चुनाव में मारपीट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। 3 लोग जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। गुजरात से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है गुजरात, चौथे पायदान पर है।